तो हजारीबाग में बहुत मेधावी छात्र हैं और आने वाले दिन में एक मेधावी छात्रों का हब के रूप में हजारीबाग जाना जाए, ये मेरा प्रयास होगा। विधायक आए तो देखिए, हजारीबाग के लोगों में दोनों समुदाय में काफी प्यार भी है, प्यार भी है, इसको चीज को मानना पड़ेगा। लोग सात त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है जिसको बहुत आसानी से सलटाया जा सकता है। मेरे डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई चीज नहीं है और ये पॉसिबल है, इसी जज्बा के साथ मैं इस क्षेत्र में हूँ और निश्चित तौर पे इसे पूरा करके आगे तो हर कोई करते, लेकिन पूरा कहाँ करते हैं। जोहार, झारखंड विधानसभा की चुनाव की तैयारी तो चुनाव आयोग की तरफ से हो ही रही है, इसके साथ साथ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो भी अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। इस वक्त मैं हजारीबाग में हूँ और हजारीबाग में नामी ग्रामी चेहरा है, चेहरा को तो आप भलीभांति जानते ही होंगे। मैं इनसे थोड़ा सा जानते हैं, चूंकि देखिए हजारीबाग एरिया में काफी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भले ही पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 2014 चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, उससे पहले भी कई पार्टियों के साथ जो है इन्होंने वर्क किए हैं, साथ में सामाजिक कार्य अपनी जमीन खुद की तैयार किए हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी के साथ मिलके हैं तो पार्टी के नाम से है, इनकी खुद की जमीन है। थोड़ा हम जानते हैं हजारीबाग को लेके क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अब ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि आप चुनाव की तैयारी में हैं। देखिए, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे और 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत हासिल करेंगे, ये मेरा कहना है। जितना काम मैंने जन समस्या का जितना मैंने किया है शायद और कोई प्रतिनिधि नहीं किया है। अगर पार्टी मौका देगी तो हजारीबाग में रिकॉर्ड वोट से हम जीत के दिखाएंगे पार्टी को, लेकिन ये तो सोचना पार्टी का काम है। देखिए, जब आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो निर्दलीय में भी आपने द्वितीय स्थान लाके बेहतरीन जनता का जनादेश आपको मिला है, क्या लगता है कि इस बार अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी के तो या अपना कुछ जनाधार लेके क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पे बेहतरीन परिणाम दिखाएंगे। लेकिन आप जमीन खुद तैयार कर रहे हैं सामाजिक कार्यों में, चाहे छोटा छोटा मुद्दा हो चाहे बड़े मुद्दा हो, उसमें बढ़ चढ़ के आप देख रहे हैं कि हिस्सा ले रहे हैं। ये अलग बात आप बोल रहे हैं, समाज सेवा करना मेरा पैशन है, मेरा नशा है, मेरा लक्ष्य है, वो हम कर रहे हैं, उसको राजनीतिक से जोड़ के नहीं देखते। और वही मेरी ताकत है, वही मेरी पूंजी है, जो मैं कर रहा हूँ वही मेरी ताकत। देखिए, लोग ये भी तो कहते हैं, साधारण परिवार का आदमी जिसका कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं है, और अगर आप जनता के बीच में है और जनता आपकी ताकत है तो इससे बेहतर और क्या होगा। लोग ऐसे भी तो देखते हैं कि अगर खुद की जमीन तैयार कर रहे हैं इसका मतलब पार्टी अगर टिकट नहीं दी तो हो सकता है फिर से निर्दलीय हो। नहीं, देखने दीजिए, वक्त बताएगा, वक्त क्या करवाता है, हमारे टीम क्या सोचता है उसके बाद बताएगा। अभी मैं पार्टी के तरफ से हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी आपको मौका देगी। पार्टी मौका देगी, बिल्कुल। अच्छा, अगर मौका दी पार्टी, आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, फिर भी आपका क्या रोडमैप हजारीबाग के लिए होगा? हजारीबाग की स्वास्थ्य, शिक्षा और हजारीबाग में जो पलायन का स्थिति है उसको रोकना, विस्थापन का जो समस्या है उसको रोकना, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधा हो वो पूरे राष्ट्रीय लेवल का हो हजारीबाग में, एजुकेशन का जो हो वो राष्ट्रीय लेवल का हो, ये मेरी प्राथमिकता होगी और मैं करके दिखाऊंगा। हजारीबाग एजुकेशन का हब है, तमाम बाहर से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए। इसके साथ में हजारीबाग में देखते हैं जो कोचिंग चलता है उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सी घटनाएं होती रहती, आए दिन देखने को मिलता है, खबरों में देखने को मिलता है, उस पर क्या कुछ होता है? देखिए, करीब 700 कोचिंग इंस्टीट्यूट हजारीबाग में भी काम कर रहा, वर्क कर रहा, और सारे गरीब बच्चे जो पढ़ के जिनको नौकरी नहीं मिला वो लोग कोचिंग चला रहे हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति दयनीय है, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ दिए तो दयनीय स्थिति में है। अगर सरकार के तरफ से पहल हो, उनको जमीन मुहैया कराया जाए, उनको उस तरह का समुचित व्यवस्था जितने भी संस्थान उनको कराया जाए, तो हजारीबाग में बहुत मेधावी छात्र हैं और आने वाले दिन में एक मेधावी छात्रों का हब के रूप में हजारीबाग जाना जाए, ये मेरा प्रयास होगा। यहाँ देखते हैं कि कोई त्यौहार वगैरह फंक्शन में बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी होता है, बहुत सी ये चीजें होती है, उसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हजारी आप एज ए विधायक आए तो देखिए, हजारीबाग के लोगों में दोनों समुदाय में काफी प्यार भी है, प्यार भी है, इसको चीज को मानना पड़ेगा। लोग सात त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है जिसको बहुत आसानी से सलटाया जा सकता है,
और मेरा विश्वास है अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे सलटा के दिखाऊंगा। मामला बहुत संवेदनशील है लेकिन असंभव नहीं इसको मिटा करना। देखिए प्रसाद जी, आप काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, सोशल में रहते हैं, तो हमको लगता है कि ये सब मुद्दों को लेके कोई ज्यादा आपके लिए कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा अहम सवाल एक और आता है कि जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र है जहाँ स्कूल है, एकल शिक्षक है, गवर्नमेंट की जो शिक्षकों की कमी है, भारी कमी है झारखंड में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या अपने क्षेत्र में आप कैसे वो, चूंकि हजारीबाग एजुकेशन हब है लेकिन जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र है वहां उसको कैसे आप उतारे? सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थान है आज हाशिए पे है, सच्चाई तो यही है, उसे ठीक करना होगा, लोगों को उसके प्रति संवेदनशील रहना होगा, जागरूक रहना होगा, तो कहीं नहीं होगा, असंभव काम नहीं है, सिर्फ करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। एक विधायक जनता के लिए होते हैं, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या ये सब चीजें आपने अपने अंदर महसूस की कि हम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल? मेरे डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई चीज नहीं है और ये पॉसिबल है, इसी जज्बा के साथ मैं इस क्षेत्र में हूँ और निश्चित तौर पे इसे पूरा करके। अगर तो हर कोई करते लेकिन पूरा कहाँ करते हैं, लेकिन क्या प्रसाद जी के पास ऐसा कुछ है? देखिए ये तो फिर भविष्य में है कि प्रसाद जी भी वही वादा करेंगे या करेंगे, लेकिन विश्वास रखिए कुछ अच्छा ही करेंगे, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ही करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे। देखिए हजारीबाग का जो चुनावी माहौल है वो थोड़ा सा गर्म होगा फिर से, वो 2014 की तरह जिस तरह से इन्होंने द्वितीय स्थान 2014 में लाए थे, इस बार भी शायद कुछ संभावना है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अगर आते हैं तो क्या कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। और बाकी बात क्या है, देखिए नेगेटिव तो सोच नहीं सकते हैं लेकिन सवाल एक खड़ा हो ही जाता है, हमारे जनता जनार्दन इस सवाल को समझ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। फिर कुछ सवालों के साथ दोबारा मुलाकात होगी चुनावी समय में, इन्हीं के साथ हमारे ही माइक पे जोहार।